इंडिया ट्रेवल मार्ट है जो जयपुर में हो रहा है, इसमें हम मध्य प्रदेश टूरिज्म को लेकर आए और हमारे साथ गर्ल्स हाय गाइस, राजस्थान का पूरा कल्चर दिखाया गया इन पेंटिंग्स के अंदर। आप सामने वाले फोटोज देख सकते हैं और कैसे इतनी बड़ी मूछें लगी हुई है उनके। यह ड्रीम डेस्टिनेशन अपन सबकी और जहाँ हम सभी जाना चाहते हैं, और ये सर आए हैं हिमाचल टूरिज्म को प्रमोट करते हुए। दिखाते हैं आपको कुछ नया, और देखिए गाइस यहाँ लग रहा है ट्रेवल से रिलेटेड कुछ बन रहा है यहाँ पर, और देख सकते हैं ये एग्जीबिशन है, टूरिज्म को प्रमोट हो रहा है यहाँ पे मध्य प्रदेश। वहाँ सामने गुजरात वालों का बोर्ड लगा हुआ है और जम्मू कश्मीर, आई डोंट नो क्या है ये, एक बार पता करेंगे इन लोगों से भी। और हमारे साथ गर्ल्स हाय गाइस, अभी हमारे को चलते चलते मिले हैं यहाँ पर देवेंद्र जी और शुभम जी, सौरव जी। तो अभी हम आपको ये बताएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है और मतलब ये किस चीज का फेस्ट लगा हुआ है, जो ट्रैवलिंग से मैंने बताया आपको कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड है। तो सर बताइए एक बार अपनी कौन सी एजेंसी है, मतलब ये किस चीज के पर्पज से अपने यहाँ पे ये लगा रखा है। ये इंडिया ट्रेवल मार्ट है जो जयपुर में हो रहा है, इसमें हम मध्य प्रदेश टूरिज्म को लेकर आए। इसमें हम मध्य प्रदेश टूरिज्म में के तहत तो मध्य प्रदेश में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, एक्टिविटीज़ हैं, इवेंट्स हैं, फेयर्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, उनको प्रमोट करने, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ आए। सर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम उज्जैन, और मतलब मैं खुद भी एमपी से बिलोंग करता हूँ, तो आई लव टू विजिट उज्जैन। हमेशा मतलब ऐसा ही रहता है कि यार मतलब जाऊँ और वहाँ घूमूँ, महाकाल मंदिर देखूँ, शिप्रा नदी देखूँ, आप लोगों को दिखाया है भी मैंने एक्चुअली। तो सर बताइए और क्या सीन है, मतलब आप मध्य प्रदेश में हम कई तरह का टूरिज्म प्रोवाइड करते हैं, और जैसे कि आपका वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हो गया, आप उज्जैन से हैं तो आपको पता है पिलग्रिमेज टूरिज्म कितना पॉपुलर है, महाकाल मंदिर और ओंकारेश्वर। बिल्कुल बिल्कुल, लेजर डेस्टिनेशंस भी काफ़ी हमारे पॉपुलर हैं, जैसे आप उज्जैन, मैंने बताया उज्जैन से हैं, इंदौर और आसपास हनुमंतिया, सेलानी, गांधी सागर, आपका पचमढ़ी हिल स्टेशन है। सर एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, ये आपने लगा रखा है तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल, तो ये क्या सीन रहेगा? तानसेन समारोह तानसेन की स्मृति में हर साल ग्वालियर में किया जाता है, जो अच्छा, अच्छा। आखिरी हफ्ते में होता है। अच्छा अच्छा, इस बार 26 से 30 दिसंबर तक ये चलेगा कार्यक्रम, जिसमें देश विदेश से कई संगीत कलाकार इसमें अपनी उपस्थिति देंगे और प्रस्तुतियाँ देंगे। थैंक यू सो मच सर। और सर एक बात और, अपन कौन से बैनर से है, मतलब आप एमपी को प्रमोट कर रहे हैं सिर्फ? हम लोग मध्य प्रदेश टूरिज्म से हैं। अच्छा अच्छा, दोनों ही मध्य प्रदेश टूरिज्म। क्या बात है सर, आप भी कुछ बोलिए, मतलब आप थोड़े शर्मा रहे हैं, मतलब यार नहीं समझी, मैं शर्मा नहीं रहा, थोड़ा सा थोड़ा आपके वीडियोस ही चेक कर रहा हूँ। और थैंक यू सो मच यार, मतलब हमारा चैनल खुल चुका है और यहाँ पर सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो गाइस आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी बात पे और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मतलब अभी हमने आपको देवेंद्र जी से और सौरभ जी से बातें कराई है और काफी अच्छा लगा इनसे मिल करके। मतलब हर जगह मैं तो ये कहता हूँ कि यार आओ भारत घूमो, मतलब एक से एक चीजें देखने को मिलेगी यहाँ पर। एमपी टूरिज्म मैं खुद कहता हूँ, एमपी में ग्वालियर है, इंदौर है, ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज हैं जो आपको घूमने को मिलेगी और बहुत शानदार फूड से यहाँ का, आइए चखिए। और मतलब हर तरीके का टूरिज्म है, गुजरात वाले भी हैं, बहुत सारे बैनर है। सर यहाँ पे टोटल कितने बैनर लगे हैं? यहाँ पर टोटल 10 स्टेट्स टूरिज्म आए हुए हैं और एक इंडिया टूरिज्म का भी पवेलियन है। और अंत में आपसे यही कहूँगा, आओ देखें अपना देश, सबसे पहले मध्य प्रदेश। चाहे क्या बात है, आओ देखें अपना देश और सबसे पहले मध्य प्रदेश। तो सर से इसी बात पे अलविदा लेते हैं और सर एक बार बूम, सर बूम, ओके आ जाइए। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हुए और थोड़ा दिखाते हैं आपको, आप लोग एक बार अपना चेहरा दिखा के हाय तो बोल दीजिए, मतलब यार हाय हाय। चलो ठीक है, देख सकते हैं गाइस ये है ड्रीम डेस्टिनेशन अपन सबकी और जहां हम सभी जाना चाहते हैं, और ये सर आए हैं हिमाचल टूरिज्म को प्रमोट करते हुए। तो सर आप कुछ बताइए, मतलब हिमाचल एक देवभूमि है, देवभूमि पर जाने के लिए किसी को भी व्यक्ति को ऐसा सपना सवाल होता है कि देवताओं के पास जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरह हिमाचल में आप
जाएंगे इस टाइम इस तरफ सुनहरा वातावरण है और गिर रही है सफेद वादियां हैं और सफेद वादियों का आनंद लीजिए मतलब हिमाचल प्रदेश सही बात है और गर्मियों के मौसम में जो चिलचिलाती हुई गर्मी से लोग परेशान होते हैं समय सर आपका कोई विजिटिंग कार्ड हमारे को देखने को मिलेगा या फिर आप कुछ हमारे को बता दीजिए ताकि लोगों का आपसे कांटेक्ट कर सके डायरेक्ट या फिर आपका कोई कांटेक्ट नंबर तो गाइज देखिए ये है इनका विजिटिंग कार्ड और ये इनका नाम लिखा होगा आई थिंक रितेश प्रत्याल तो देख लीजिए और पॉज करके आप इनके नंबर ले सकते हैं और काफी अच्छा समझाया इन्होंने हमारे को हिमाचल आइए हिमाचल में आने का कोई वेदर नहीं है ऑल राउंड द क्लॉक एनी वेदर 12 महीने में आ सकते हैं गर्मियों में आप गर्मियों के एंजॉय गर्मी से राहत के लिए आ सकते हैं सर्दियों में आप विंटर का एंजॉय कर लीजिए तो वैसा ही इवन देयर इज अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज स्नो में जैसे कि स्की है आइस स्केटिंग है और अगर गर्मियों में आते हैं रिवर राफ्टिंग है और गर्मियों में कई अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं वहाँ पर जाके आप इंजॉय कर सकते हैं कुल्लू मनाली शिमला इज ऑलरेडी डेवलप्ड बट लॉट ऑफ प्लेसेज आर अनडेवलप्ड एंड अनआइडेंटिफाइड जिसको लोग जाना चाहेंगे वो एक्सप्लोर इंडिया में है जैसे सांगला कल्पा आपका चूड़ा रोडू चाशल उसके बाद आप सांगला वैली जा सकते हैं कुल्लू मनाली में उसके बाद फ्रोड वैली है बहुत सारी जगह है दलौजी चंपा है बहुत सारी जगह है थैंक यू सो मच सर काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिल करके और देख सकते हैं यहाँ पे चल रहा है हिमाचल टूरिज्म का इधर की साइड दिखा रखा है कि मतलब कैसे आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कैसे आप बर्फ में घूम सकते हैं काफ़ी एक्साइटमेंट बनी हुई है यहाँ पर यहाँ पे गुजरात वालों का भी बैनर बना हुआ है और हिमाचल में आपको कहता हूँ कि एक बार पोज ब्रेक करके और वो जरूर देखिएगा जो मैंने आपको विजिटिंग कार्ड बनाया है और इनसे जरूर मिलिएगा हेलो मैम तो आप आ गए हैं गुजरात से अच्छा आप यहीं से ही हैं आप इनको प्रमोट करें गुजरात टूरिज्म को क्या बात है बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर आपका कोई विजिटिंग कार्ड मतलब आप हमें कुछ दिखा सकते हैं मतलब आपके कॉन्टेक्ट नंबर हो जहाँ पे आपके खूबसूरत फूल रखे हुए हैं आपने यहाँ पर तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर वाला बैनर है और सभी से मिला तो नहीं सकता हूँ लेकिन बस मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर किस किस के बैनर लगे हुए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर तमिलनाडु मतलब मैंने सुना है कि तमिलनाडु बहुत ही शानदार जगह है और देखा भी है अपन वीडियो वगैरह देखते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ये सभी बैठे हैं और टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं हम भी ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं तो हम जान सकते हैं कि यार कैसे ये लोग आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर वीडियोस भी चल रही है मतलब आप उनको देखें और आए यहाँ पर ओमेगा होटल्स गोवा मतलब हेलो सर आर यू फ्रॉम गोवा यस तो मतलब आप गोवा भी जा रहे हैं तो आप इनसे भी मिल सकते हैं सर अपना कोई विजिटिंग कार्ड है यहाँ पर तो देखिए आप इसको पोस्ट करके देख सकते हैं ये है संतोष यादव जी हेड सेल्स मार्केटिंग एंड मार्केटिंग तो सर अच्छा लगा आप लोगों से भी मिलके और सर आप गोवा का टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं जाहिर सी बातें आप अपने होटल्स को प्रमोट कर रहे हैं तो जाहिर सी बातें आप जाइए वहाँ पर देखिए काफ़ी खूबसूरत सिटी गोवा मतलब मजा आ गया यार इन सब लोगों से मिलके यार और एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से प्लेस और हैं ये तमिलनाडु का चल रहा है शायद बहुत बड़ा बैनर लगा रखा है इन्होंने और ये लास्ट में आपको दिखाते हैं ये उत्तराखंड टूरिज्म से ये देख सकते हैं आप सामने की तरफ हेलो सर हाय और उत्तराखंड कौन नहीं जाना चाहते मतलब गाइस यार उत्तराखंड जाने के लिए कोई बहाने की जरूरत नहीं है मतलब अपन ऋषिकेश देहरादून और मतलब मसूरी हो गया और अपना क्या नाम है उसका मसूरी से मसूरी क्या बात है मतलब कहाँ कोई जरूरत नहीं है आपको पूछने की किसी से कि यार मैं उत्तराखंड जा रहा हूँ आपको सिर्फ प्लान बनाना है और निकल जाना है मतलब प्रियंका सोखल तो हमारे ग्रुप का है जैसा कुछ
अच्छा दशा भुज करके है इनका, तो इनको भी जरूर विजिट कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर गोवा टूरिज्म से है ये। हेलो मैम, हाय, देख सकते हैं आप काफी अच्छा बैनर है इनका भी यहाँ पर, और ये गोवा को प्रमोट कर रहे हैं, तो गोवा के लिए भी कोई बहाना नहीं चाहिए, मतलब कहीं प्लान होना चाहिए सिर्फ आपके पास। हेलो मैम, ये पंजाब से, और ये पंजाबी मतलब, हेलो सर कैसे हैं आप? सर अच्छा लगा आपसे मिलके, मतलब टूरिज्म को प्रमोट करना एक जाहिर सी बात है, आइए और घूमिए, सिर्फ यही बातें हैं गाइस। तो बिना सोचे समझे कहीं भी निकल जाओ, मतलब आपको अगर हिमाचल भी जाना है तो पहले पंजाब रुकना ही पड़ेगा आपको, तो मतलब आपको पंजाब के लिए भी कोई वाली बात है कि पंजाब बहुत शानदार सिटी है गाइस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, खूबसूरत लग रही है मतलब ये बस, और इसके अंदर ये अपने जयपुर सफारी के लिए, देश की शान मतलब जयपुर घूमने के लिए ये जो पर्यटकों के लिए पूरी बस बनाए रखी है, और मेक इन इंडिया का लोगो लगा हुआ है वहां पर। ये इनके नंबर है कॉल फॉर रिजर्वेशन, तो आप देख सकते हैं कोई भी कॉल करना चाहे, इस बस में घूमने चाहे, पधारो सा, और कॉल फॉर बुकिंग, काफी अच्छी बस दिख रही है आपको। और चलिए फिर और कवर करते हैं, कॉल 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 हर जगह नंबर लिखे हुए हैं इन्होंने, तो जयपुर आ रहे हैं घूमना चाहते हैं तो बुक कीजिए। आई थिंक मुझे पता नहीं है इसके टिकट कितने का होगा, बट फिर भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जरूर आइए और घूमिए। हमें मिले मतलब एक बहुत ही शानदार राइटर्स जो लिख चुके हैं बहुत कुछ, तो सर ये है और काफी एज हो गई इनकी, और सर आप कितना टाइम हो गया सर आपको लिखते हुए? सर मैं करीब 40 साल से काम कर रहा हूँ। 40 साल। और आपने सर आप क्या मतलब कैसे क्या मैगजीन्स पे लिखते हैं आप, किस चीज पे लिखते हैं? एक्चुअली क्या है, मैं फ्रीलांस हूँ, फ्रीलांस और अखबारों में और मैगजीन्स में। क्या बात है सर? ये जैसे राजस्थान की सुजस है या ITDC की अतिथि है, और ये और भी राजस्थान के जितने मीडिया पेपर है ना जहाँ छापते हैं उसमें पर्यटन संबंधी में लिखता हूँ, उस सब्जेक्ट पर। अच्छा लगा आपसे मिलके बहुत। देखिए मैंने एक बार आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम यादराम सिंह यादव। यादराम सिंह यादव जी हैं हमारे साथ में, और सर को मिला है नेशनल अवार्ड, तो सर अपने बताएंगे कि इन्होंने 7 बुक्स लिखी है, तो सर बताइए एक बार वापिस से हो जाए। आई हैव रोट मेनी बुक्स अप टू नाउ, आई हैव माय 7 बुक्स हैज बीन पब्लिश्ड, एंड आउट ऑफ 7-4 आर रिलेटेड टू टूरिज्म, वन बुक रिगार्डिंग द राजस्थान इज नेम एज कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, विच इज पब्लिश बाई जवाहर कला केंद्र जयपुर, एंड अनदर ऑन टूरिज्म ऑन भरतपुर एज वेल धौलपुर एंड ईस्टर्न राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ ईस्टर्न राजस्थान पर्टिकुलरली, एंड 4 बुक्स आर बाई रिमेनिंग 4 बुक्स आर ऑन सो सब्जेक्ट, एंड आई थिंक 1000 ऑफ आर्टिकल्स हैज बीन पब्लिश्ड ऑन टूरिज्म एज वेल सो सब्जेक्ट। मैं कहना चाहता हूँ कि ये वो है जो हिडन टैलेंट है, मतलब इन सब लोगों को अपन क्या होता है कि अपन देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, अपन पीछे के जो स्पेशल लोग होते हैं ना, मतलब जिन्होंने वो क्रिएट करा है माहौल, अपन उनको नहीं जानते, तो यही है वो। तो एक बार सर के लिए प्लीज यार कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मजा आया सर आपसे मिलके, और नेशनल अवार्ड सर प्राउड हुआ है मतलब हमारे को कि यार आपसे मिले हैं हम। यार ऐसा है कि ये तो आपने देख लिया ना, आपका जो एंकरिंग भी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, मतलब
जो आपका फ्लो है ना और जो आप वहाँ रिकॉर्ड कर रहे थे आई लाइक इट। थैंक यू सो मच सर। ये है आपने करी हमारी तारीफ। आपकी क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ लेकिन आप में सर भी बहुत अच्छी। सर एक बार आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बोल दीजिए सर एक बार इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस प्लीज जाइए और नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाइए। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। Used to stop this world from spinning like Superman.